आईसर 380 वो है, पुराना मॉडल है वो अपना। आज इसके बारे में बताएं कुछ जो बेरा हमने, अब ये 3 सिलेंडर इंजन है इसका, वो बॉस कंपनी का इनलाइन पंप है, इसमें 3 सिलेंडर इंजन। ये इसमें फिल्टर दे रखे हैं डीजल के लिए, और ये इसका इंजन का मुगले का फिल्टर है इंजन के लिए, ये छोटा यहाँ पे 3 सिलेंडर इंजन है पूरा, 40 HP में शायद ट्रैक्टर। और इसके आगे टायर अब इतना 0/16 का है, और पीछे का 13/28 का टायर है। अगर चाहो तो 12 का दिया जाए, इसमें मर्जी आपकी कौन सा लेना टायर इसमें। और ये ऊपर चढ़ने के लिए पाइदान जाओ प्लेट और प्लेटफार्म है इसका, और सिंगल कल तुम्हें अपने मैं इसके गियर दे रखे हैं यहाँ पर, बैटरी बराबर में है ऊपरी है, जो इसका PTO लीवर है यार, PTO का लीवर इसके यहाँ पे है, सिंगल कल्च में है, और सुपर DI आईसर 380 सुपर DI है। और इसका पीछे बात करी जाए तो बैक साइड इसकी है, लिफ्ट इसकी वही मेरा पता नहीं, ये इसका ऊपर नीचे नहीं हो सके, एक जगह है एडजस्टेबल ऊपर नीचे का भाई ऊपर नीचे, ये बड़ा 500 टूल बॉक्स था इसका ऊपनी कारण तो खराब हो गया, लिफ्ट दियो और नीचे पीटी हो दियो हिसाब पर 13/28 का टायर है पीछे का, इसमें इसकी पैर की रेस बाहर निकल रखी हुई तो, और 12 लीवर फ्री सर्विस के साथ ट्रैक्टर में आया था इसमें। यहाँ पर इसके डबल ब्रेक दे रखे हैं, इसके गियर वाइस में 8 तो फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, हाई लो में मीडियम नहीं, इसमें हाई लो है सिर्फ, ये हाथ की रेस ऊपर है, स्टेयरिंग में बहुत बढ़िया इसका, इसका मीटर वगैरह है। सुपर डीआई वो ट्रैक्टर बहुत बढ़िया हुआ है, ये इसका लिफ्ट पंप दे रखे यहाँ पे लिफ्ट पंप, ये बिजली में खतर इसका वो आईसर 380 है, ये पते आप ट्रैक्टर मंडी में खड़ा बिकाऊ ट्रैक्टर है वो, सीट इसके ऊपर नीचे उसका एडजस्टेबल आगे पाछा नहीं होगी सीट इसकी, फतेहाबाद ट्रैक्टर मंडी में बिकाऊ ट्रैक्टर से भाई लेना तो फतेहाबाद आ सका है और ले जा सका ट्रैक्टर ने मंडी में। इसका आगे टायर एडजस्टेबल नहीं है, ये फ्रंट व्हील इसके एक जगह रहेंगे इस तरह,